वैक्सीन की डोज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर इस तरह का बयान दिया है जिससे कांग्रेसी नेता सुशील कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया जी ने चुपके चुपके कोरोना की वैक्सीन तो लगवा ली लेकिन उसकी तस्वीर सबके सामने साझा नहीं की। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने तो खुद तो वैक्सीन लगवा ली और बाद में इसको लेकर तमाम तरह से अफवाहें उड़ाई जाने लगी। गौर करने वाली बात तो है कि जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है उसके बाद से सत्ता पक्ष अब विपक्ष पर हमलावर हुई है और विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर खूब चर्चा हो रही है। बताते चलें कि अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुँची और ऐसे में राज्यों को वैक्सीन पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।